गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो 10th से 11th में प्रमोट कर रहे हैं। कल हमने फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जाना था कि फिजिक्स को दो तरह से अपन देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। हमने फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस के बारे में स्टडी की थी। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स है योगदान, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान है टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी समाज के अंदर टेक्नोलॉजी में, प्रौद्योगिकी में। हमारी ये फिजिक्स का क्या योगदान है? टेक्नोलॉजी से मतलब हमारा प्रौद्योगिकी से होता है, और सोसाइटी यानी समाज, इसमें इसका क्या योगदान है? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा था कि फिजिक्स का मतलब एक फ्यूसिस वर्ड है ये, इसका मतलब है नेचर, और नेचर का मतलब है कि हमारे चारों ओर का जो भी कुछ आता है, जितना भी ज्ञान हम अपने चारों ओर देखते हैं, वो सब फिजिक्स के अंदर ही आता है। अब अपन देखते हैं कि अपन ऐसे डेली यूजेस में कितनी चीजों को हम देखते हैं, ऐसे कौन कौन से नेचुरल फंडास हैं जिनको अपन लोग डेली लाइफ में फिजिक्स में देखते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होता है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर था, उसमें दो फील्ड मैग्नेट्स थे, उन फील्ड मैग्नेट्स के बीच में एक आपका आर्मेचर रखा हुआ था, उस आर्मेचर में आर्मेचर घूमता था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती थी, इसमें प्रोड्यूस होती थी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिकली अपने घरों पर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सीधी सी बात है पावर प्लांट्स पे बनती है। तो पावर प्लांट जिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल फिजिक्स के अंदर आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचे सर ये पावर प्लांट होता है, हमारे घरों में जो जनरेटर लगाते हैं हम लोग, जो हम देखते हैं जेनसेट वगैरह, जनरेटर वगैरह जो लगते हैं, उनमें भी यही प्रिंसिपल यूज होता है, जिसे हम लोग देखते हैं बहुत आराम से देखते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देखिए, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। डीजल इंजन आप देखते हैं गाड़ियों में, बसों में, ट्रकों में डीजल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन आपकी स्कूटी, बाइक्स पेट्रोल इंजन पे चलती है। स्टीम इंजन जो बोट्स वगैरह होती है उनमें स्टीम इंजन होता है। ये जितने भी इंजन हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। इंजन में थर्मोडायनेमिक्स यानी इनमें हीट का एक्सचेंज स्टडी किया जाता है, ये थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं सारे इंजन। यानी अब आप देखिए कि आप जितनी भी गाड़ियां देख रहे हैं वो सब सारी जो काम कर रही हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल ही पर ही काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे आप, रॉकेट प्रोपल्शन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ। न्यूटन्स लॉ के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, सेकेंड लॉ के बारे में भी पढ़ा है और थर्ड लॉ के बारे में पढ़ा है। रॉकेट को भी हम जानते हैं, रॉकेट के भी पार्ट्स होते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन यानी रॉकेट जब जाता है सीधा तो उसमें ऐसे कौन कौन से रूल लगते हैं, उनमें बेसिकली जो रूल लगते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ लगता है। जितने भी हम लोग आज आप देख रहे हैं भारत इतनी बड़ी शक्ति बना हुआ है, हमने पिक्चर भी देखी होगी आप लोगों ने मिशन मंगल, उसमें भी देखा होगा कि रॉकेट किस तरह से पार्ट्स उसके अलग होते जाते हैं, कैसे उसका प्रोपल्शन होता है, तो वो बेस्ड है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। तो ये सब जो रॉकेट प्रोपल्शन जो बेस्ड होता है वो न्यूटन्स की थर्ड लॉ के ऊपर होता है, और ये सब किसके अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है, किसके अंदर कंक्लूड किया जाता है, फिजिक्स के अंदर इसको कंक्लूड किया जाता है। आगे देखें, फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग, हवाई जहाजों का उड़ना, हर चीज नहीं उड़ पाती, हवाई जहाज की एक डेफिनेट साइज है। अगर कभी किसी हवाई जहाज के साइज को आप देखें तो आपको लगेगा यार ये काफी हद तक पक्षी के साइज जैसा ही है हवाई जहाज। तो हवाई जहाज जो आप देखते हैं तो ये हवाई जहाज आपका, हवाई जहाज का जो साइज है वो इसी तरीके से होता है। लेकिन ये जो फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट है ये बर्नौली का एक प्रिंसिपल है, बर्नौली प्रिंसिपल ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट जो चलता है, जो उड़ता है, जिसके शेप, ध्यान रखिए मैं एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं, हेलीकॉप्टर की नहीं,
हेलीकॉप्टर का एक अलग प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल जो फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट से, ये एयरक्राफ्ट जमीन पर भागते हैं फिर ऊपर उड़ते हैं, तो ये जो बेस्ड होता है बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है। इसके बारे में आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो इनके बारे में तो आपने पहले थोड़ा बहुत सुना है। आगे देखें, द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर फर्नेस। आपको पता है बिजली कितने तरीके से बनाई जाती है हमारे हिंदुस्तान में? बिजली बनाई जाती है कोयले से, पानी से बिजली बनाई जाती है, विंड से बिजली बनाई जाती है, कचरे से भी हमारे यहाँ पर बिजली बनाई जाती है, और बायोफ्यूल से भी हमारे यहाँ बिजली बनाई जाती है। एक बिजली हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर एलिमेंट से, न्यूक्लियर फ्यूल से बनाई जाती है। न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में आपके आते हैं यूरेनियम और प्लेटिनम, उनसे भी बनाई जाती है। और उनमें ये जो बिजली बनाई जाती है, उनमें बनाने की जो मेन डिवाइस है उसका नाम है न्यूक्लियर फर्नेस। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियर फर्नेस। इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल को जलाकर बिजली बनाते हैं। हम चाहे तो बिजली बना सकते हैं, हम चाहे तो उस पर बेस्ड एटॉमिक बॉम्ब भी बना सकते हैं। एटॉमिक बॉम्ब भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। बॉम्ब तो हम नहीं बनाएंगे, पर कई देशों ने ऐसे बना रखे हैं एटॉम बॉम्ब। ये काम करते हैं न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस के ऊपर। न्यूक्लियर फिजन आपने पढ़ा है, किसी हैवी न्यूक्लियस को टू और मोर देन टू लाइट न्यूक्लियस में तोड़ना आपका न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। तो ये इसके ऊपर काम करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, वायरलेस। रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, वायरलेस, किसी टाइम पर हम लोग टेलीफोन यूज करते थे जिसमें तार वगैरह का सिस्टम होता था। अब तो वायरलेस सिस्टम चलते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। आज हम और आप बात कर रहे हैं, मेरे सिग्नल आप तक पहुंचेंगे, मेरी वीडियोज आप तक पहुंचेंगी, सब वायरलेस कम्युनिकेशन है। फैक्स, कोई डॉक्यूमेंट्स हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। टेलीविजन, आप देख रहे हैं डिश टीवी वगैरह ये सब लग रहे हैं, सब वायरलेस कम्युनिकेशन। ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ है जिसमें हमें किसी भी वायर की जरूरत नहीं पड़ी है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह तक संभव हो पाया है। हम जो सिग्नलों को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं वो किसकी वजह से भेज पा रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, वो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरियर्स होती है इनका, और ये सिग्नल से एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत हाई एफिशिएंसी से चले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आज के दिन में नेटवर्क चल रहा है 4G नेटवर्क, और आने वाले टाइम में फिफ्थ जनरेशन का भी नेटवर्क आएगा। तो ये सब इनमें ही क्या होते हैं, रिवॉल्यूशन होते हैं। जैसा टॉपिक था मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी देखिए किस तरह से बढ़ी। किसी टाइम पे देखा होगा डाकिया होते थे, चिट्ठी लाते थे, भेजते थे, ईमेल आ गए, ईमेल से भेज रहे हैं। बड़ी टेक्नोलॉजी कौन ने कंट्रीब्यूट किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। किसके अंदर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? फिजिक्स के अंदर। तो इस टेक्नोलॉजी ने कितना सोसाइटी को, हमारी को कंट्रीब्यूट किया है, हम आज उस टॉपिक के बारे में हमने स्टडी किया है। हमें फिजिक्स पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि फिजिक्स किस तरीके से हमारे सोसाइटी को इफेक्ट करता है, फिजिक्स किस तरीके से हमारी सोसाइटी को डेवलप करता है। फिजिक्स का मेन मोटो ही यही है कि ह्यूमन लाइफ को बहुत इजी बनाना, फास्ट बनाना, एफिशिएंट बनाना। सारी ये चीजें आप जो देख रहे हैं बहुत इजी हैं, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, और आप तो आने वाले टाइम में हम लोग देख रहे हैं पोल्यूशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक इंजन भी डेवलप हो जाएगा जिसको अपन बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बोल रहे हैं, वो भी फिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। बैटरी में जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनमें जो रिएक्शंस होती है, कैथोड एनोड वगैरह जो होते हैं, वो आपको सब फिजिक्स में ही पढ़ने होते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो भी अपन देख रहे हैं अपने घरों के आसपास, तो नहीं है कोई पावर प्लांट, जितने भी आसपास आपने कहीं कोई पावर प्लांट देखा हो तो वहां पर सारा प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चलता है, उससे ही काम होता है। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट जब उड़ता है उसके पार्ट्स अलग होते जाते हैं, जैसे जैसे उसके पार्ट्स अलग होते जाते हैं वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ती जाती है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन को क्रॉस करता हुआ चला जाता है। हमारे पास भी ऐसे कई सारे लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं जिसमें हमारा जो मेन लॉन्चिंग व्हीकल उसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो आपने देखा है काफी फेमस हुआ है ये PSLV, सबको पता भी है PSLV के बारे में। हमारा इंडिया का, हमारा खुद का बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन है ये, और बहुत अच्छा और कम पैसे में हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन करते हैं, इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजिक्स टेक्नोलॉजी सोसाइटी, क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो 10 से 11 में प्रमोट कर रहे हैं, जो 12th के बच्चे उनके लिए कोई किसी काम का वीडियो नहीं है। ओके, दैट्स ऑल। कल के बारे में, कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा थोड़ा आगे होगा, मेजरमेंट के ऊपर होगा।
ओके दैट्स ऑल।